लॉकडाउन कब खत्म होगा, उनको एक्सप्लेन करना अपने आप में चैलेंज हो जाता है कि कोरोना क्या है। मेरे बात ठीक चल रहे हैं आप। एवरी एडवर्सिटी शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। हर होपलेसनेस के अंदर एंडलेस होप को देखा है। हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो सिचुएशन जहाँ आदमी ट्राई कर रहे और बोले थे वो ट्राई कर सकते, हर ब्रेकडाउन में ब्रेक थ्रू से कर रहे हैं। इधर भी बहुत ब्रेक थ्रू है कोविड के अंदर। ये वो टाइम है जब बच्चों को सेल्फ स्टडी करना चाहिए। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, नए साल के सिलेबस की को ओवरव्यू उसका देखा, एक रीडिंग के लिए लव बिल्ड करना, पर्सनल हेल्थ और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स पे काम करना, लर्निंग की स्पीड को बढ़ाना, अपने कुछ स्किल्स को बढ़ाना, अपनी एक्टिविटीज रूटीन्स को एक सॉलिड डिसिप्लिन बनाने की तैयारी करना, एक एग्जीक्यूशन प्लान को, राइटिंग टैलेंट को फोकस। ये एक होता है रिड्यूस ए डी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट या स्पीड रीडिंग या एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट है। इस समय ये वो समय है जिस समय बहुत तेजी के साथ हम अपने समय का राइट यूज कर सकते हैं। जैसे हम इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा कोई मीटिंग नहीं करता, मुझे 5 मिनट से लंबी मीटिंग करना पसंद है। वेरी जैसे MCD प्रिंसिपल फॉलो करते हैं मॉडर्न कॉफी, मस्ट डू कैन डू डोंट डू, कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अब अगर समय मिल रहा है आपको कोविड के टाइम पर, तो आपको उन चीज़ों पर ज़रूर काम करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर काम करें, इमरजेंसी फंड, अपने इंश्योरेंस कवर, अपने EMI, अपने इंस्टॉलमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डिजिटल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैनिक माइंड की समय कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा समय है, ये वो समय है जिस समय आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमेशा नहीं मिलता है आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट, हर नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट है। आप SMEs को मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी अपने CAPEX प्लान को इस समय कम करिए, CAPEX प्लान का टाइम नहीं है, अपनी इन्वेंट्री को इम्प्रूव करिए, रिड्यूस करिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने का समय है, ये कोडिंग का समय है। अगर आपने टेक्नोलॉजी बिल्डिंग करी है, अभी समय घर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम में आप कोडिंग कर सकते हैं, ये वो समय है जिस समय आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एग्जीक्यूशन प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय, ऐसा नहीं है कि कोविड के अंदर सब कुछ खत्म हो जाने वाला ना। फोटो अगर आपकी जॉब चली भी गई है, एक मल्टीपल एज ग्रुप्स के लिहाज से सवाल पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं के बच्चों, 12वीं के बच्चों, 12वीं के बच्चों को ये नहीं पता कि उनके इम्तहान कब होंगे, 10वीं के बच्चों को पता है उनके इम्तहान कर चुके हैं। अब वो जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो एग्जाम पे है, तो पहले तो यहाँ पर स्कूलों को भी फाइनली के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि नहीं हुए, एग्जाम में किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरा, बच्चों के अंदर वो सेंस ऑफ जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो कैसे लाई जाए। वो कहते हैं कि जब बदलती है नजरें तो बदल जाती है नजारे। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज। सो अगेन आई टेल यू, ये वो समय है, इस समय अपने पावर ऑफ एसोसिएशन को समझे। इफ यू टेल मी सी, आप आज किसके साथ उठते बैठते निर्धारित करेगा आपका भविष्य कैसा होगा। फाइव पीपल यू लिव योर लाइफ अराउंड योर फ्यूचर। वो कहते हैं कि मानो जिससे जीवन में सुख ही सुख है, ना मानो तो जीवन में दुख का दरिया। देखो मेरे यार, जीवन और कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया। तो रिवर्स डोंट गो रिवर्स, जो नदियाँ है वो पीछे नहीं जाते, और इस समय रिवर्स जाने का समय नहीं है। थिंग्स टर्न आउट बेस्ट फॉर डोंट एक्चुअली मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वे द थिंग्स हैव टर्न्ड आउट। अभी वो समय है जिस समय आप सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग दीजिए। वॉरियर मत बनिए, चिंता नहीं, वॉरियर चिंतन करें, ये चिंतन करने का समय है। सो आपको उस समय स्टूडेंट्स को भी अगर चाहिए, तो इस समय दिस नॉट द टाइम टू कंप्लेन। कंप्लेन इज ए नेगेटिव इमोशन एंड इट शुड बी सीन एज ए गिफ्ट कि मैं इस समय अपने आपको माइंड को प्रोग्राम करूँ, अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को इम्प्रूव करूँ, हमेशा डिसाइड करूँ कि मैं आगे अब इस समय कैसे इस नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट को दूंगा। देखिए, अपने परसेप्शन और एक्शन दोनों को चेंज करना, यानी कि मानसिकता और वास्तविकता, यानी कि मनस्थिति और परिस्थिति, यानी कि रूट्स और फ्रूट्स, यानी कि आपका कॉन्टेंट और इंटेंट, यानी कि अंदर और बाहर। मोटा मोटा मुद्दा ये है, अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता आ रहा था। तो मोटा मोटा ये मुद्दा ये है कि ये वो समय है, डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज द सेम थिंग, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट और डिफरेंट रिजल्ट्स। आज वो टाइम है कि मैं अपने नए एक्शन को उसको देखूँ, उस समय जर्नी पर समय लगाऊँ, वो वीडियो देखूँ, वो ऑडियो सुनूँ, उन लोगों के साथ उठूँ, बैठूँ, वो किताबें और अपने वो करियर को डिजाइन करूँ। द प्रॉब्लम इज नॉट इन कमिटिंग मिस्टेक, बट इट इज इन कमिटिंग द सेम मिस्टेक टूवाइस बैक। मैं कोविड के टाइम कभी लास्ट टाइम भी अप्रैल मार्च मई जून जुलाई एक मिनट मेरे को वेस्ट नहीं हो गया।
सोशल मेरे पास अगर बेस नहीं होगा आप जिधर भी आप फोकस लेके जाते हैं व्हेनेवर योर फोकस वाज इट गेट ज़ूम इन वो बड़ा हो जाता है जिधर फोकस करोगे वो बड़ा हो जाएगा नेगेटिविटी पे फोकस करोगे बड़ी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे वो बड़ी हो जाएगी आप किसी फैसिलिटी पे फोकस करोगे वो बड़ी हो जाएगी एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट बना लो चवन्नी लाल मत बनो उलझनों में मत फंसो ये वो टाइम है इस समय कि एनी डिजायर आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज वेस्ट इससे अपने गोल स्टेटमेंट को बनाओ डिजाइन करो कंट्रोल व्हाट गोज थ्रू योर ब्रेन अपनी ब्रेन मोशन को लेकर हो ही रही है करानी किससे वो डिपेंड करता है जिसके साथ उठते बैठे हैं चकनी मंत्रा के साथ उठते बैठते हैं कृष्ण के साथ उठते बैठते हैं सो एनीथिंग विच इज फेवरेबल एनी फ्रेंड विच इज फेवरेबल टू गोल स्टेटमेंट एनी बुक दैट इज फेवरेबल टू गोल स्टेटमेंट एनी वीडियो एनी ऑडियो एनी सीरियल एनी प्रोग्राम एनी सेमिनार एनी वर्कशॉप जो भी थी डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ लेकिन अपने गोल स्टेटमेंट पर रहिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मजा मत करिए लाइफ में देखो गुजराती जमा करता है बाकी हिंदुस्तानी मजा करता है इसलिए गुजरात की इकोनॉमी तेज ग्रो करे मुद्दा बड़ा सिंपल है बिजनेस में या करियर के अंदर या स्टूडेंट की लाइफ में ग्रो वही करेगा तो ये समझेगा कि इस समय रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का टाइम है आर सी आई मैं कितनी तेजी से इम्प्रूव करता हूँ आपको प्रूव नहीं करना आपको इम्प्रूव करना जैसे आपके टेबल जो मैं जहाँ पे बैठा हूँ उससे मैं टेबल के पाँव होते हैं ऐसे ही आपके माइंडसेट आपके बिलीफ के भी पाँव होते हैं पाँव को मजबूत करिए आप उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको और मजबूत बना सकते हैं सरल भाषा के अंदर आप अगर इस समय घर से भी काम करना पड़ रहा है घर में पढ़ाई करनी पड़ रही है तो घर में पढ़ाई के कई फायदे हैं आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है आप पॉलिटिक्स और गॉसिप से इधर उधर बाहर के लोगों से बच सकते हैं आपके खर्चे घट जाते हैं आपको जाना नहीं पड़ता आप सही पर सिक्योर रहते हैं कि आप घर पर रहते हैं आप परिवार को समय दे पाते हैं कि आप घर पर रहते हैं आप ऑड आवर भी काम कर पाते हैं कि आप घर पर रहते हैं आपको डिस्ट्रैक्शन कम है कि आप घर पर रहते हैं आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि आप घर पर रहते हैं और आप इमोशनली और स्ट्रॉगर हो सकते हैं ज़्यादा सॉर्टेड हो सकते हैं अगर इसको ढंग से टाइम को इस्तेमाल कर सकें अपने कॉन्फिडेंस अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकते हैं तो महिलाओं के लिए मैं बोलूँगा कि महिला को ना समझो बेकार जीवन